अरे माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम बीमार मत पड़ा करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बीमार पड़ जाने से घर के सारे काम रुक जाते हैं। काम के साथ साथ मुझे और शिल्पा को भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर रोज़ रोज़ तुम्हारी बीमार पड़ने की आदत से छुट्टी लेनी पड़ी तो नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ेगा, शांति देवी से उनके बेटे सुमित ने झुंझलाते हुए कहा। बेटे की बातें एक माँ के दर्द को और बढ़ा रही थी। शांति देवी को अपने ही बेटे की बात सुनकर दुख हुआ और सोचने लगी, बेटे को अपनी बीमार माँ से ज़्यादा नौकरी की चिंता है। घर के काम कैसे होंगे, बेटे बहू के ऑफिस चले जाने के बाद घर की रखवाली कौन करेगा, इन सब बातों की चिंता है। लेकिन बीमार पड़ी माँ की चिंता करने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर शादी के बाद बेटे इतने पराई क्यों हो जाते हैं? शांति जी का दिल अंदर से रो रहा था। वह बस अपने बेटे बहुओं से इतना ही कह पाई कि बेटा, तुम घर के कामों की चिंता मत करो, न बच्चों की चिंता को, बस जरा सी तबीयत खराब, सिर दर्द, मैं कोई भी गोली ले लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। देखो, मैंने तेरा और बहू शिल्पा का टिफ़िन पैक कर दिया है, तुम दोनों का नाश्ता भी बना दिया है। बस काम करते करते कब सारा शरीर बुखार व सिर दर्द महसूस होने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। शायद मुझे बीमार होने का भी हक नहीं है, शांति जी ने नम आँखें करते हुए कहा और बेटे से सिर दर्द की गोली देने के लिए बेटे सुमित ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। बस घर में जो पेन रिलीफ थी वहीं देते हुए कहा कि यह गोली लेकर थोड़ा आराम कर लेना और फिर घर का ध्यान रखना। बहू शिल्पा यह सब देखकर बहुत दुखी थी। उसने अपने पति सुमित से कहा, देखो सुमित, अब मुझे कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेना होगा। कैसा फैसला? सुमित ने कहा, माँ जी के बारे में। शिल्पा ने कहा, माँ के बारे में कैसा फैसला? सुमित ने कहा, देखो सुमित, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और मैंने फैसला किया है कि हम माँ जी को अब वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। माँ जी से अब घर का काम भी नहीं हो पाता है, रोज़ रोज़ उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रोज़ रोज़ छुट्टी लेकर इनकी सेवा करें और अगले दिन ऑफिस जाकर बॉस की गाली सुनने को मिलती है, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि आप माँ जी को किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए, जब हमारी छुट्टियां रहेंगी उस दिन हम माँ जी से मिलाया करेंगे और रही घर के कामों के लिए हम बाई लगा लेंगे, ताकि हम अपना जीवन वैसे ही जी सकें जैसे जीते आ रहे हैं, शिल्पा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। अगर घर में हम काम वाली बाई ही रख रहे हैं तो फिर माँ को वृद्धाश्रम क्यों भेजना, माँ भी तो हमारे ही साथ रह सकती है, सुमित ने कहा। अरे मेरे भोले पति, जब हम काम वाली बाई लगा लेंगे तब घर में कुछ काम ही कहाँ बचेगा। घर में काम नहीं बचेगा तो माँ जी घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाएंगी और ज़्यादा बीमार रहने लगेंगी। अगर वृद्धाश्रम जाएंगी तो वहाँ उनके जैसी ही महिलाएं मिलेंगी, जिन्हें वह सहेलियाँ बनाकर अपने दुख सुख की बतला भी सकती हैं और खुशी से रह सकती हैं, शिल्पा ने बातों पर मक्खन लगाते हुए कहा। उसके मक्खन जैसी बातों पर सुमित फिसल गया और उसने शिल्पा के फैसले पर सहमत होते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल ही इस शहर के वृद्धाश्रम में पूछताछ करता हूँ। सुमित ने कहा, अरे कल ही क्यों, जब तक हमें एक अच्छी काम वाली बाई नहीं मिल जाती तब तक तो माँ जी को यहीं रहने दें, ताकि घर के काम न रुकें, शिल्पा ने कहा। शांति जी का कमरा सुमित के कमरे के बराबर में ही था। जब शांति जी ने बेटे बहू के मुँह से वृद्धाश्रम वाली बात सुनी तो उनके पैरों तले से ज़मीन सरक गई और सोचने लगी, क्या सच में पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन गलती तो मेरी ही है जो मैं बेटे बहू की बातों में आकर गांव की ज़मीन व घर बेचकर इनके साथ आ गई और सारी रकम इनके हाथों में थमा दी। खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि बुढ़ापे अच्छे से गुजरें, इसके लिए कुछ तो अपने पास रखूं, लेकिन पुत्र के मोह में अंधी होकर सब कुछ उसे ही सौंप दिया। शांति जी सारी बातें याद कर रोई जा रही थी। ये लोग मुझे घर से निकालें, इससे पहले ही मैं इस घर से चली जाऊंगी।
मुझे पता है वृद्धाश्रम कहाँ पर है। वो पास के फ्लैट में रहने वाली विमला ने मुझे वहाँ का पता दिया था। शहर में आने के बाद पास के फ्लैट में अपने बेटे बहू के पास रह रही विमला जी शांति जी की अच्छी सहेली बन गई थी। जब दोनों के बेटे बहू ऑफिस चले जाते थे तो विमला जी शांति के पास आकर एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर लेती थी। जिस दिन विमला जी वृद्धाश्रम जा रही थी तब शांति जी के हाथ में एक पर्ची देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तेरे काम आएगी, क्योंकि लोग पेड़ को जब तक ही अपने आंगन में रखते हैं जब तक वह छाया और फल दे, जब वह फल देना बंद कर देता है तो लोग उसे आंगन में से उखाड़ फेंकते हैं। जाते जाते विमला जी शांति जी की आंखें खोल गई। शांति जी को विमला जी की बातें आज समझ में आई। शांति जी अगले ही दिन बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में चली गई। वहाँ जाने से पहले अपने बेटे के नाम कुछ लिखकर छोड़ गई। मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुझे बिन बताए जा रही हूँ, अगर बताकर जाती तो भी तुम्हें शायद दुख नहीं होता, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ तुम लोग मुझे भेजना चाहते थे। तुम दोनों खुश रहना, समय पर खाना और समय पर उठकर ऑफिस जाना, और काम वाली बाई से कहना कि घर का अच्छे से ध्यान रखें, और मुझे माफ़ करना क्योंकि कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।